now we will talk now in chapter 5 the body system we will talk about what we will talk about digestive system what is the work of digestive system our digestive system help us to take in food digest and make it ready for use by the body kya karta digestive system jo bhi hum khana khate hain usko leta hai apne andar aur usko lene ke baad हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट करने के बाद जहाँ जिसका जो यूज होता है उसके लिए वो चला जाता है ओके फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बॉडी फूड हमें किस लिए यूज होता है वो खाने के काम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम क्या करते हैं फूड हम कहाँ से खाते हैं खाना हम कहाँ से खाते हैं माउथ से खाते हैं उसके बाद क्या करते हैं टीथ टीथ का वर्क क्या होता उसको ग्राइंड करता छोटे छोटे पीसेस में फिर वो स्मॉल पीसेस में ग्राइंड करता है तो वो किससे मिक्स होता है तुम्हारे मुंह में सलाइवा बनता है ना थूक बनती है उसमें मिक्स होके वो स्मॉल पार्ट्स में ग्राइंड कर देता है और दिस हेल्प इज टू स्लाइड डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और हमारी जो फूड पाइप है उसके द्वारा वो नीचे की तरफ चला आता है द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर द फूड गेट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस और स्टमक जो होता है वो एक सैक लाइक सैक मतलब बोरा होता है वैसे यहाँ पे यहाँ बोरा नहीं है उसकी तरह होता है जिसमें कि सारा खाना जाके और डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं डाइजेशन इसको हम क्या कहते हैं डाइजेशन लीवर पैंक्रियाज जो है टू मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं कौन कौन टू मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं लीवर एंड पैंक्रियाज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑब्जर्व करती व्हाट इज नीडेड फ्रॉम द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे फूड रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए उसको लेती है द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पासिस आउट थ्रू द एनस और वो हमारा एनस से पास हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जैसे कि हम सब्जी छिलते हैं तो छिलका जो होता है वो फालतू होता है तो वो हम फेंक देते हैं उस दिन बॉडीज के अंदर जो भी अननेसेसरी जो भी वेस्ट होता है वो थ्रू एनस बाहर आ जाता है ओके तो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट इज ब्रीदिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट यू कैन से ब्रीदिंग सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम What is breathing system? तुम सांस लेते हो ना तुम लोग तो क्या करते हो ऑक्सीजन अंदर लेते हो और क्या बाहर फेंकते हम कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो तो ब्रीदिंग सिस्टम क्या है वी टेक इन थ्रू आवर नोज हम कहाँ से सांस लेते हैं थ्रू आवर नोज द एयर वी ब्रीथ इट रीचेज द लंग्स एंड द विंड पाइप हमारी बॉडी में जो विंड पाइप और लंग्स है वहाँ पहुँचती है एयर और ईच डे वी ब्रीथ अवर 20,000 टाइम्स कैन यू इमेजिन 20,000 टाइम्स यू ब्रीथ इन अ डे बट यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ इट्स पॉसिबल ना यू कांट काउंट ना कैन यू काउंट योर ब्रीदिंग नो बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर जो एयर हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम इनहेल्ड एयर और जो एयर बाहर फेंकते हैं उसको हम क्या कहते हैं एक्सहेल्ड एयर द एयर वी गिव्स आउट इज द एक्सहेल्ड एयर वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं ब्रीथ इन अंदर क्या लेते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट बाहर क्या फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग सिस्टम और जो अंदर हम हवा लेते हैं एयर लेते हैं और जो बाहर फेंकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं ब्रीदिंग सिस्टम तो हियर वी स्टडी बोथ टू थिंग्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीदिंग सिस्टम ओके तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी एंड ब्रीदिंग टेकिंग इन एयर एंड गिविंग टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज योर ब्रीदिंग ओके